वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे दिन के 1:30 और अभी मैं खाना वाना खा लिया और कल है जन्माष्टमी, तो हम सोच रहे हैं कि शाम को आपको बाजार के थोड़े हाल दिखाएंगे। हमें भी थोड़ी ड्रेसेस वगैरह लेनी थी, तो वो भी लेंगे अपन। और मैंने ले ली थी, पर मम्मी को लगा कि एक हम डेली यूज़ में ले लेंगे और एक अच्छी सी और लेंगे, जो फिर हम हमारे पास तो चॉइस हो जाएंगी, तो कृष्ण जी पे सेट हो जाएगी। तो अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हम वही पहना देंगे। तो आप व्लॉग के लास्ट में देख लेना। तो चलिए मैं आपको शाम को मिलता हूँ, बताना सुनूंगा। मैं आपके लिए अभी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो दे देता हूँ जो मैंने सुबह रिलीज़ की थी, क्योंकि सुबह सुबह ही आ गई थी मेरी रिकॉर्ड। और अभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, व्लॉग के स्टार्ट जब कर रहा हूँ, तो वो मैंने अलग बनाई थी, तो मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको दे रही हूँ। वेलकम टू आवर न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज या कल में मेरी रिकॉर्ड आ जाएगी, तो आज वो ऐसा सुनहरा दिन आ गया। अब मैं कन्फ्यूज भी एक तरफ और एक तरफ खुश भी हूँ कि इसमें जो जो मैंने मंगाया वो होगा कि नहीं। तो हम इसे पहले स्टाइल से खोलते हुए खोल लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे यहीं से खोल पड़ेगी, यहाँ पे अभी मुझे कुछ दिख रहा है। इसे कुछ करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इसमें बहुत जान चाहिए। टाइम लगेगा और जब तक मम्मी कमेंट्री करेगी ना, तो मम्मी कमेंट्री करने मुझको लक्ष्मी नहीं पाई। आरुष है थोड़ा सा परेशान कि उसने जो क्वालिटी और जो एक्सेसरीज देख के इसको ऑर्डर किया था, वो चीज़ें इसमें है या नहीं है। तो वो डिलीवरी बॉय से पूछ रहा था कि अगर मुझे इसे मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कैसे इसे वापस रिटर्न कर सकता हूँ। तो उसका भी प्रोसेस इसने पूछ लिया है। तो अभी ये खोल के देख रहा है, खुद कन्फ्यूज़ है। जितना कन्फ्यूज़ आप होंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं या एक्साइट भी होंगे देखने के लिए, उतना ही आरुष भी है कि इसमें वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है जो उसकी रिक्वायरमेंट थी और कैसी उसकी क्वालिटी रहती है। मेरे पास ना चाकू भी, इसमें धार भी है, ऐसा चाकू दिया है। हाँ, ताकि इसका हाथ ना कट जाए, क्योंकि हाथ ऐसे ही चलते हैं। मैंने इसको देखते हैं कितनी देर में इसको ये कर पाता है। मैं तो फिर अभी इस शॉट को यहीं क्लोज कर रही हूँ, फिर अगला शॉट लूँगी जब ये खुल जाएगा, या आप देख ही लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसको क्या है। मैं होती तो शायद इसको अभी तक तो खोल भी देती, मगर ये पता नहीं किस तरीके से खोल रहा है, आई डोंट नो। तो देखते हैं, जहाँ टेप लगाओ सिर्फ वहीं पे उसको कट करो। आपके पास सीजर चाकू सब है, ऐसे खींचो नहीं वो टूट जाएगा। तो गाइस मैं इसकी थोड़ी हेल्प करती हूँ, मैं दूसरा शॉट लेके आपको बताऊंगी। गाइस खोल लिया, मेरी खुली लग गया, मम्मी ने टेप क्लोज कर दिया। जोर से बोलो उधर, गेट बंद। यहाँ पे जो सीरीज तो वो मुझे मिल चुकी है और मिल गई। ये देखिए गाइस इसमें क्या क्या है, ये लाइट्स हैं, देखते भी हैं कि चलती है कि नहीं। अब ट्रिपॉड की वो करते हैं, अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी, ये है हमारी, पता नहीं हमें जो भी चीज़ मिलती है पैक पैक में क्यों नहीं मिलती गाइस, पता नहीं ऐसा क्यों है। और इसे ऐसे खोलना पड़ेगा शायद, क्या हो रहा ये ऐसे ही रहेगी, ऊपर से ऊपर जाएगा ये, ऐसे ज़्यादा मत चौड़ा करो। अच्छा
देखिए यार गाइस, इससे भी ऊपर चली गई, इसको इसकी लेंथ है, हम खड़े होकर नहीं बना सकते, फिर मैं यहाँ देखूँगा कि बना सकते हैं ऐसे ही। ये देखिए गाइस, इसको हम चाहें तो ये फोल्ड हो रखा है अभी, और लंबा हो जाएगा, हम लंबा भी इसको करके दिखाएंगे आपको। और इसके साथ ये लाइट्स हैं एक्सेसरीज में, और ये जिस वजह से परेशान हो रहा था ये वो चीज़ इसमें आ गई है, ये है कैमरा सेट करने वाला जो इसमें हम फिट करेंगे। लाइट को यहाँ पे रखते हुए हम अपना इसे और लंबा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गाइस, ओह वाओ, ऐसे लग रहा है गाइस, ये टाइट कर देंगे, नीचे से भी टाइट करना पड़ेगा ना, नीचे से गाइस ये सेट हो ऐसे है, ये इतना लंबा है। मम्मी से पूछ से कैसा लगा मम्मी को, अभी फिट करके देखेंगे इसे पूरा, फिर आपको एक वीडियो और दिखाएंगे इसकी। ठीक है गाइस, मैं आ चुका ट्रिपॉड पे, और अब मैं आपको तीन तरह की लाइट है मेरी रिंग लाइट में, मैं आपको तीनों जला के दिखाता हूँ। यहाँ पे स्विच है जो आ नहीं रहा है, ये देखिए इसकी वायर, और अब मैं करता हूँ, अच्छा पावर ऑन कर दी, आपको थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट आ रहा होगा येलो कलर का, और मैं लाइट बदलता हूँ, अब थोड़ा और आ रहा होगा, अब वाइट कलर का आ रहा होगा, अब इसे बढ़ा भी सकते हैं, तो लाइट की वो कर सकते हैं हम दूसरी लाइट में चेक कर सकें, क्योंकि सफ़ेद में तो लगता ही है ना सफ़ेद, आपको बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होगी मेरे फेस पे, और अभी हल्की हो जाएगी, तो मैं इससे सारा कंट्रोल है इसके, तो अभी इसे फ़िलहाल के लिए बंद कर देते हैं, पर अभी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। और अभी कुछ प्लान ऐसा है, मम्मी कह रही थी कहीं जाने की कि चला रुस बनाते हैं, अब देखते हैं जाते हैं कि नहीं, पक्का नहीं है ना, तो मैं आपको हमेशा वादा करता हूँ और हमेशा रह जाता हूँ, तो जैसे ही हमारा प्लान बनता है तो मैं आपको व्लॉग में बताऊँगा, अभी बस नाश्ता करना है और फिर नहाना है, फिर देखते क्या होता है, और बाय। तो अभी हम आ चुके हैं सब्जी मंडी में, फिर से सब्ज़ी लेने कि मम्मी का रोज़ का ड्रामा चलता रहता है सब्जी लेने के, रोज़ आती हूँ, अच्छा मन से इतना कहता हूँ मंथली सब्जी ले लो या वीकली सब्जी ले लो, एक वीक की यानी, तो नहीं लेती है उन्हें फ्रेश सब्जी पसंद है, उन्हें फ्रेश सब्जी पसंद है, खुद कह रही है। और अभी कृष्णा जी की ड्रेस कल जन्माष्टमी है, तो आप सोच रहे हो ये पागल है कि कृष्णा जी की ड्रेस लेने नहीं आ रहे, तो हम पहले लिया है क्योंकि हमें पता था कि आज के दिन बहुत भीड़ होगी, तो बहुत सारी ड्रेस लाए, मैं आपको घर पर दिखा दूँगा। और अभी बस बड़ा गेमिंग की वीडियो बनानी है, सॉरी गाइस अभी तक तो बनी है, और जो मेरी गेमिंग की भी देखता होगी वाली वीडियो भी देखता है तो उसे पता होगा कि मेरा गेमिंग का भी चैनल है, तो सॉरी मेरे फ्रेंड्स जो मेरा गेमिंग का भी देखते हैं कि अभी तक नहीं बनी है, रात तक आ जाएगा, 9 o'clock तक आ जाएगी आपकी वीडियो, प्री एडिट वेडिट होकर फ्री फायर वीडियो आएगी, बस मिलता हूँ मैं आपको अभी। तो अभी हम आ चुके हैं सब्जी मंडी में, फिर से सब्जी लेने कि मम्मी का रोज़ का ड्रामा चलता रहता है सब्जी लेने के, रोज़ आती हूँ, अच्छा मन से इतना कहता हूँ मंथली सब्जी ले लो या वीकली सब्जी ले लो, एक वीक की यानी, तो नहीं लेती है उन्हें फ्रेश सब्जी पसंद है, उन्हें फ्रेश सब्जी पसंद है, खुद कह रही है। और अभी कृष्णा जी की ड्रेस कल जन्माष्टमी है, तो आप सोच रहे हो ये पागल है कि कृष्णा जी की ड्रेस लेने नहीं आ रहे, तो हम पहले लिया है क्योंकि हमें पता था कि आज के दिन बहुत भीड़ होगी, तो बहुत सारी ड्रेस लाए, मैं आपको घर पर दिखा दूँगा। और अभी बस घर जाके गेमिंग की वीडियो बनानी है, सॉरी गाइस अभी तक तो बनी है, और जो मेरी गेमिंग की भी देखता होगी वाली वीडियो भी देखता है तो उसे पता होगा कि मेरा गेमिंग का भी चैनल है, तो सॉरी मेरे फ्रेंड्स जो मेरा गेमिंग का भी देखते हैं कि अभी तक नहीं बनी है, रात तक आ जाएगा, 9 o'clock तक आ जाएगी आपकी वीडियो, प्री एडिट वेडिट होकर
फ्री फायर वीडियो आएगी। बस मिलता हूँ मैं आपको अभी। अब कान्हा जी की एक ड्रेस देख लेते हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी कलरफुल ड्रेसेज है। वैसे तो मैं ड्रेस ले चुकी हूँ मगर सोच रही हूँ इनमें से कोई अच्छी सी ड्रेस ले लूँ। देखते हैं कुछ अच्छी सी ड्रेस मिल जाए मैया जी की। भैया और भी सामान लिया अभी मैंने, काफ़ी भीड़ हो रही है, मैं भीड़ में घुसना नहीं चाहती, थोड़ा सा वेट करती हूँ, शायद मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं उसमें से ले लूँगी। और दूर से ही मैं सेलेक्ट करती हूँ फिर वो निकलवा लूँगी ड्रेस अच्छी सी। हाँ तो मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई है, देखते हैं कौन सी वाली बताऊँ। भैया वो वाली रेड कलर की ड्रेस है, रेड कलर की ड्रेस जो जिंदगी है। देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेस है, सामने है जो है 60 रुपीस लेते हैं यार के लोग आराम से। ऐसे रुपये काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है, दे दीजिए भैया। और देखिए कितनी सारी वेराइटीज़ है इनकी शॉप पर, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और मुकुट वगैरह तो मैंने कल ले लिए थे, काफ़ी ड्रेस मैंने ले भी चुकी थी मगर मुझे था कि एक और ड्रेस होनी चाहिए कन्हैया जी की बढ़िया से, ये रहे जो तो ये मैंने ले लिए। और अरश पकड़ो ये माला, दो नंबर लगाने का काम जन्माष्टमी के बाद का होता है। चुका हूँ अपने स्टूडियो में और अभी मेरा पोपट हो चुका है, पोपट नहीं बहुत खुशी की बात है। हमारी जो ये ट्री टॉप है ये पूरे 7.5 mm की है, यानी 7.5 feet की है। और देख रहे हो कितनी लंबी है, मेरी हाइट भी नहीं पहुँच रही है, अब मुझे यूं करना पड़ रहा है। ये मैं अपने माथे के सामने कैमरा लगा रखा है तो आप कर ही सकते हैं, मुझे यूँ करना पड़ा है कैमरा को। चलिए मम्मी के पास चलते हैं, मैं आपको ड्रेसेस भी दिखा देता हूँ जो मम्मी लेके आई थी। तो मम्मी जी मम्मा मेरे फ्रेंड दिखा दिए, दिखा दिए आपने, बस रेड वाली दिखाई है मम्मा। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको ड्रेसेस दिखा देता हूँ, तो पहले हम इस पन्नी को खोल लेते हैं। तो मैं ज़रा मम्मी से अपील करूँगा कि वो शूट, मम्मा ज़रा शूट कर लूँगी। तो मैं ये ड्रेसेस खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं ये हैं सारी ड्रेसेस। तो फर्स्ट वाली हमारी ये विष्णु जी की ड्रेसेस, तो ये विष्णु भगवान जी की ड्रेस है, हमारे भगवान जी बहुत बड़े भगवान जी, वो सब भगवान जी में। तो मेरे को अभी ये टोपी दिखी है, मम्मी ने ली थी तो मेरे को लग रहा है कि जो उनने दूसरी ड्रेस ली थी उसी को सोच के ली होगी ये टोपी, पर माला उसकी मैचिंग की नहीं है, फिर भी देखते हैं। और अब आ चुकी है वैसी सेम टू सेम शेरा वाली माता की ड्रेस। तो इसमें चुन्नी और पूरा सेट है, इसका बाहर निकल गया था जब मैं चेक कर रहा था तो मम्मी ने रखा था, मम्मी ने ठीक से नहीं रखा हो। यह आ चुकी है हमारे बहुत सारे छोटे भगवान जी, तो उन सब की ड्रेस है। और ये हैं हमारे बाल कृष्ण गोपाल की, तो इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये खुल चुकी है, तो पहले तो दिखा देते हैं मुकुट, ये इसका मुकुट है। बाकी सारी ड्रेसेस हम साइड कर देते हैं तो आसानी होगी आप सबको, मेरे को भी। ये है उनका मुकुट जो कल पहनेंगे, मैं तैयार रहूँगा ना भगवान जी को, तो आप ज़रूर देखिएगा।
और देखते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सी ड्रेस पहनानी चाहिए। आपके पास सिर्फ 8 बजे तक का टाइम है, नहीं आगे 5 से 8 बजे का तक का टाइम है सुबह का, तो आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि फिर तो मैं पूजा कर लूँगा, ड्रेस तो चेंज नहीं कर सकती। अब ये देखिए आप स्ट्रैप्स वाली ग्रीन, इस बार हम सोच रहे थे ग्रीनरी बनाएंगे, पर वही मम्मी को एक दुकान देखी तो मैंने सोचा हमने पहले जो ली थी उनका तो बना नहीं पाया क्योंकि मैं बीमार था उस दिन, नो व्लॉग डे मतलब मैं बीमार था तो व्लॉग नहीं बनाता कुछ भी, तो मैं थक भी रहा था उस दिन बहुत, तो उन्हीं इसी की मैचिंग की उन्हें माला ले लिया उनके लिए। तो अब ये तो हमारे सेट हो चुका है, मैं इसे पैक करके आपको नई वाली ड्रेस। अब हम आ चुके हैं अपनी नई वाली ड्रेस पे। अब मैंने इसमें थोड़ी करामाती की है भगवान जी को पहनाने के लिए, क्योंकि ये जॉइंट आते हैं और मैंने खोल दिए उसी में ये थोड़ा सा कट लग गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अभी इसे कल हम इसे ही पहनाएंगे क्योंकि ये अच्छी लग रही है कृष्ण जी पे, वो तो हम वैसे ही पहना चुके हैं तो हमें वो अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी चमकीली लाल और हरा रंग बहुत अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन में, और आई लव दिस कलर बिकॉज दिस इज शाइनिंग ऑन दिस ड्रेस, इसलिए। तो आज के इस वाले ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ, और आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में करें, और दोस्तों में आप जिनसे भी जान पहचान हो सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। आपको बस यही काम करना है, हमारा काम है आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाना, तो बाय।